क्या स्टारफिश रियल में फिश होता है? क्या स्टारफिश आपको मार देगा? कैन स्टारफिश किल यू? स्टारफिश को अगर समुद्र के पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? अगर स्टारफिश को सेंटर से चार भागों में काट दिया जाएगा तो क्या होगा? इन्हीं सवालों का मैं जवाब आपको जल्द ही दूंगा दोस्तों। स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको स्टारफिश के बारे में जानकारी दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ समस्याएं होंगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आपकी समस्या ज़रूर बता देना। स्टारफिश एक मराइन वाटर एनिमल है। इनका लाइफ स्पैन लगभग 35 ईयर का होता है। स्टारफिश के 2000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और साइज में होते हैं। स्टारफिश इज ऑल्सो नोन एज सी स्टार, जो कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग एनिमल है। ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर इन्हें खारे पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये ओपन एयर के कॉन्टैक्ट में आने से जल्द ही मर जाएंगे। इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। इनको ना ही ब्रेन होता है और ना ही ब्लड होता है। ये अपना डाइजेशन अपने शरीर के बाहरी आवरण से कर लेते हैं। इनका बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 से बना होता है। ये इनका आउटर लेयर इतना ज़्यादा कठिन और मजबूत होता है कि समुद्री जीव इन पर हमला तो करते हैं, पर इसी कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण से ये अपने आप को महफूज भी रख पाते हैं। स्टारफिश क्या क्या खाते हैं? स्टारफिश का आउटर लेयर समुद्र के खारे पानी को फिल्टर कर लेता है और उन्हीं में से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी कि ये खाना अपने पेट में ले जाता है और इनका पेट इनके बाहर के हिस्से में ही होता है। अपना खाना ये अपनी बॉडी के नीचे दबा कर रखते हैं। इनका छोटा माउथ इनके बॉडी के नीचे होता है। इनका पसंदीदा खाना अलगी, क्लैम्स, ऑयस्टर, स्नेल्स इत्यादि होता है। तो कुछ स्टारफिश मछलियाँ भी खाते हैं। इनके बॉडी के जो आर्म्स होते हैं, इनके नीचे के साइड में छोटे छोटे पैर भी होते हैं। ये इन्हीं पैरों में समुद्री पानी भरकर अपनी लोकोमोशन करते हैं। यानी ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी कई ज़्यादा ये क्विक मूव हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि इन्हें ब्रेन नहीं है, ब्लड नहीं है, तो इनकी आंखें भी नहीं होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे आंखें होती है, और ये आंखें इनके एवरी आर्म के एंड पर होती है। ये इन्हीं से लाइट के डिफरेंट शेड्स को डिटेक्ट करती है और इन्हें नेविगेट करके अपना शिकार ढूंढते हैं और शिकारी से छुप भी जाते हैं। सभी स्टारफिश एक जैसे एक शेप के बिल्कुल नहीं होते। ये अलग अलग रंग, रूप, आकार के होते हैं। यहाँ तक कि इनके आर्म्स की संख्या भी फिक्स नहीं होती। आमतौर पर स्टारफिश के आर्म की संख्या है 5। अगर इनका एक आर्म कट भी जाए तो ये अपने आर्म को फिर से रीजनरेट करते हैं। ये रेड, ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रे, हर कलर के होते हैं। ये हर प्रकार के आवाज़ पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि समुद्री घास, चट्टानी किनारे, प्रवाल का एरिया इत्यादि। कुछ स्टारफिश 20,000 फीट यानी कि लगभग 9,000 मीटर की गहराई तक रेत में जाकर रहते हैं। स्टारफिश रिप्रोडक्शन कैसे करता है? स्टारफिश स्पॉनिंग के द्वारा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। जब फीमेल स्टारफिश अंडे देती है तो मेल्स शुक्राणु छोड़ते हैं और फीमेल्स बड़ी संख्या में अंडे छोड़ती है। फीमेल स्टारफिश स्पॉनिंग द्वारा लाखों अंडे अपने पानी में छोड़ सकती है। कैन स्टारफिश किल यू? एब्सोल्युटली नो गाइस, स्टारफिश डू नॉट अटैक्स ऑन ह्यूमन। हाँ, बट अगर एक्सीडेंटली आप उन्हें पकड़ने का, छूने का कुछ प्रयास करेंगे तो वो आपको अपने जहर के साथ स्टिंग ज़रूर करेगा और आपको तेज दर्द देगा। स्टारफिश को अगर हम समुद्र के पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? दरअसल ये फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं दोस्तों। अगर इसे खारे पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा तो ये खुली हवा के संपर्क में आने से जल्द ही मर जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ खारे पानी में ही सांस ले सकती है। सांस लेने के लिए इनके शरीर के बाहरी सतह पर मौजूद अपने डर्मल गिल्स का ही उपयोग कर सकते हैं।
अगर स्टारफिश को सेंटर से चार भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा? अगर स्टारफिश को सेंटर से चार या पांच भागों में काट दिया जाएगा तो वो काटे हुए हर एक अपने बॉडी पार्ट से एक नया स्टारफिश जनरेट कर देगा। ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है तो प्लीज़ कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिखिए, मैं उस प्रॉब्लम का आपको आंसर भी दूंगा। और ये आपको वीडियो नॉलेजेबल, सही में नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आपको नई वीडियो ला सकूं, और बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी नई आने वाली वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों गाइस, थैंक यू वेरी मच।